कुछ समय पहले हमने कहा था कि ये जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये खुद ब खुद अपने वजन से गिरेगी। और हालात हिमाचल प्रदेश में ऐसे बन गए हैं कि ये सरकार अपने ही वजन से गिर रही है। आज आप देखिए कि 6 CPS जो है उनको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल माननीय उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, और साथ में जो एक्ट था उसको निरस्त किया है, और साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में ये लोग आए हैं जिन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, ऑफिस का इस्तेमाल किया, फाइलों पे साइन किए, एज ए मिनिस्टर एक्ट किया। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने इनको सलाह नहीं दी थी कि आप CPS बना दीजिए। हम भी कांग्रेस में थे, उस समय भी हम लोग कहते रहे कि ये काम मत करिए क्योंकि सरकार के लिए गले की फांस बनेगा। इसलिए ये सरकार आज संकट में है, और निश्चित तौर पर आने वाला जो साल है 2025 जिसका आगाज 1.5 महीने के बाद होने वाला है, ये नए साल में हिमाचल प्रदेश की नई सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो बनेगी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इससे शर्मनाक बात हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती। एक पावर प्रोजेक्ट जो है कि लाहौल स्पीति में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम 400 मेगावाट का सैली हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर जो लाहौल स्पीति में है उस पर पावर प्रोजेक्ट लगना था। इस पावर प्रोजेक्ट में जिस कंपनी ने अप्लाई किया उस कंपनी ने 67 करोड़ रुपया पैसा जमा करवाया, इनका ना तो काम किया, और जब कंपनी ने पैसा वापस मांगा तो पैसा वापस नहीं दिया गया, और वो उच्च न्यायालय में जाके उन्होंने जो है वो अपील दायर करी। और अपील दायर होने के बाद पिछले सितंबर में, अभी हाल ही सितंबर में, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया हिमाचल प्रदेश सरकार को कि आप इस कंपनी को 7% ब्याज के साथ 150 करोड़ रुपया वापस करें। सरकार ने ना पैसा वापस किया, ना उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करी, ना अधिकारियों ने इसकी गौर करी, ना सरकार ने गौर करी, उस व्यक्ति को पैसा वापस नहीं गया। आज बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए और हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए और उनके कुलीग्स के लिए कि आज सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि जो हिमाचल भवन दिल्ली में मंडी हाउस के पास स्थित है उसकी नीलामी कर दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि हिमाचल के इतिहास में ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो आज हिमाचल की संपत्तियों को जो है वो कोर्ट के आदेश हो रहे हैं कि नीलाम करके लोगों के पैसे दिए जाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। प्रदेश में पिछले साल 2023 में बहुत बड़ा डिजास्टर आया, और डिजास्टर आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लिया कि ब्यास के किनारे और ब्यास नदी से जुड़ी जितनी नदियां हैं उन पे जो क्रशर लगे हैं उन क्रशर्स को बंद करने का फैसला लिया। चाहे मंडी की बात थी, चाहे कुल्लू की थी, चाहे हमीरपुर की थी, चाहे कांगड़ा की थी, और एक व्यक्ति पर मेहरबान रहे। नदौन में एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति पर मेहरबान रहे, सिर्फ मात्र क्रशर वो चला, और उस दौरान पूरी इलीगल माइनिंग हुई। हम मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए उस व्यक्ति के साथ अपना आपका क्या गहरा रिश्ता है कि जिसके ऊपर आप इतने मेहरबान हुए और सब लोगों के रोजगार आपने बंद कर दिए। क्रशर की बजरी जो 20 रुपए फुट मिलती थी वो लोगों को 40 रुपए फुट मिली, डेवलपमेंट के सारे काम रोक दिए, और एक व्यक्ति के ऊपर आप मेहरबान रहे, और मेहरबानी भी छोटी मोटी नहीं है। मुख्यमंत्री जब कैबिनेट में जाते हैं पूरे देश ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने वो वीडियो क्लिपिंग देखी कि मुख्यमंत्री की गाड़ी में वो ज्ञानचंद नाम का व्यक्ति जाता है, और जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उस सीट पर वो बैठा होता है। मुख्यमंत्री खुद गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकालते हैं, और साथ कैबिनेट के जहां होती है वहां साथ लेके जाते हैं। तो आखिर उनका रिश्ता क्या है? और आज पूरे नेशनल लेवल पर जो चर्चा हो रही है कि उस व्यक्ति का हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन है,
तो आखिर मुख्यमंत्री इस बात का खुलासा कर सकते हैं किस तरीके से प्रदेश के खजाने को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री सरकार लोग इसलिए चुनते हैं कि वो एक कस्टोडियन की तरह खजाने की रक्षा करें, खजाने का सही इस्तेमाल करें, जिन लोगों का पब्लिक का पैसा है वो सही जगह लगे। परंतु मुख्यमंत्री अपने निजी दोस्तों पर इतने मेहरबान हैं और अपने परिवार के ऊपर इतने मेहरबान हैं कि एक जमीन हमारे ध्यान में आई है, ये जमीन है फागू के पास, बेगाल्टी जगह नाम है, और ये मुख्यमंत्री के परिवार के जमीन नाम है, कुछ उनके मित्रों के नाम है, और वे पहाड़ी पर है, हिल टॉप ऑफ द हिल, और उस जमीन के आसपास कोई आबादी नहीं है। फिर भी उस जमीन को महंगी करने के लिए, उसकी कीमत बेशुमार हो जाए निजी फायदा लेने के लिए, सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए के डंगे सरकारी पैसे से लगाए जा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताएं कि जिन गांव में सड़कें नहीं हैं, उन गांव को सड़कें निकालने की बजाय आप अपनी जमीनों तक सड़कें पहुंचाने की जो है वो सरकार के खजाने से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी सेवा आपने शुरू कर दी है? कार्यालय देरा में खोल दिया, पत्नी पर मेहरबान है, रहें या तो खोल रहे हैं तो भाई सब 66 के 66 चुनाव क्षेत्रों में खोलो। आप हमीरपुर जिला के, हमीरपुर जिला में तो आप खोल नहीं पाए, आपने देरा में खोल दिया, ठीक है, पत्नी का आपके ऊपर दबाव हो सकता है, पर तू बाकी के एमएलए भी चुने हुए हैं, क्या उन लोगों को अपनी जनता ने नहीं चुना उनको? तो इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, और ये सरकार पूरी तरह मित्रों पर खजाना लुटा रही है, मित्रों पर मेहरबान हो रही है, और कई मित्र ऐसे हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जिनके पास मारुति कार में पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं होते थे, उन मित्रों के पास अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, बड़े बड़े भवन बनना शुरू हो गए, बड़ी बड़े कॉलेज के भवन बनना शुरू हो गए, और अनेकों ऐसे मित्र हैं जिन्होंने जमीनें खरीदी, आजकल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इनके मित्र कर रहे हैं, कभी धर्मशाला जा रहे हैं, जी को जमीन है जमीन बताइए। इस सरकार ने लूट मचाई हुई है। मैं तो ये कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में कि मुख्यमंत्री जब उपचुनाव हुए, प्रदेश की जनता को दोबारा ठगा और लोग झांसे में आ गए, 1500 रुपए के फार्म भरे गए, हमारे लोगों के ऊपर, 9 लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि 15-15 करोड़ रुपए खा गए। हम कहते हैं, आज भी चैलेंज कर रहे हैं, तब भी किया कि मुख्यमंत्री आप 15 करोड़ की बात करते हैं, आप 15 पैसे साबित कर दो हमारे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलने के लिए इनको नेशनल लेवल का कोई अवार्ड जो है, मेडल, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आज सरकार परमानेंट नहीं है, कोई सरकार परमानेंट नहीं है, आज इनकी है, कल कुछ दिनों में और आ जाएगी। परंतु आदमी को बर्तन इतना डालना चाहिए कि जो निभाया जा सके। इसलिए झूठे केस बनाने की जो प्रथा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, विधायक साथियों के कारोबार बंद कर दिए, उनकी जमीनें नापना शुरू कर दी, उनके घर नापना शुरू कर दिए, उनके कारोबार बंद कर दिए, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, पूरे देश में देखा, कि जो इतना जिद्दी और इतना जिसको कहते हैं कि बदला लेने की भावना रखता हो। तो इसलिए प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, लोग सेवा के लिए आते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, प्रदेश का विकास करने के लिए आते हैं, ये पहले व्यक्ति देखे जो कि प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं।